एक माफीनामा वायरल हो रहा है कि हे प्रभु मुझे बचा दो, मैं जब से ये कांड किया हूँ तब से मैं दुख में हूँ। ये माफीनामा अजब गजब है और पूरा वायरल हो रहा है। इस वायरल न्यूज की कहानी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये मामला प्रयागराज का है, नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिंगवेरपुर गांव का है, जहाँ एक आश्रम होता है और वो राम जानकी मठ के नाम से मशहूर होता है। श्री राम जानकी मठ में राधे कृष्ण की मूर्ति होती है जो अष्ट धातु की होती है और लगभग 100 साल पुरानी होती है। 23 सितंबर को एक चोर आता है और चोरी करके मूर्ति को चला जाता है। अब भाई साहब ये न्यूज क्यों वायरल है, तो 1 अक्टूबर को आश्रम के पास के हाईवे पे बोरी में रखा हुआ मूर्ति मिलता है और उसमें एक माफीनामा होता है। माफीनामा में लिखा होता है कि महंत जी हमें क्षमा करिएगा, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, जब से मैं इस मूर्ति को चुरा कर लाया हूँ मैं बहुत ही बुरा बुरा सपना देख रहा हूँ, बहुत ख़राब मेरी हालत हो गई है, मेरे बेटे को भी बीमारी हो गई है, मेरा बेटा बीमार पड़ गया है और मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने इस मूर्ति को चोरी का नहीं है इस ऐसा बताने के लिए इस पे पॉलिश करवा दिया हूँ, छोटी सी लालच जो है मुझे ये गंदा काम करा दिया। और मैं आप लोग को बता दूँ कि जो उस आश्रम के महंत हैं जयराम दास जी महाराज, उन्होंने मूर्ति के चोरी होने के बाद अन्न जल त्याग दिया था और इसका परिणाम ये हुआ कि चोर को माफीनामा लिखना पड़ा और छोड़ना पड़ा। अब राधे कृष्ण जाने उनकी महिमा जाने, लेकिन पुलिस ने जो बात बताई है उसमें बताया है कि 23 सितंबर को उनके पास एक आवेदन आया था जिसमें कि मूर्ति चोरी की बात बताई गई थी। मूर्ति चोरी के बारे में अनुसंधान चल रहा था, नवाबगंज क्षेत्र की जो पुलिस है वो इसमें जाँच कर रही थी, लेकिन 1 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिलती है महंत जी के द्वारा ही, जो श्री राम जानकी मठ के महंत हैं जयराम दास जी, कि एक बोरे में हाईवे के पास में अष्ट धातु की मूर्ति और माफीनामा मिली है। हालांकि पुलिस उस माफीनामा के बारे में आगे जांच कर रही है कि क्या सच्चाई है और आगे उस चोर को पकड़ने का भी प्रयास कर रही है। अब चोर भाई साहब कम से कम भगवान को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं भी अगर आप अष्ट धातु या फिर किसी भी प्रतिमा को चोरी करते हैं तो इसकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ती है। महंत जी ने जो अन्न जल का त्याग किया था उसका पाप भी आपको लग गया और पाप ऐसा लगा, कलंक आपको ऐसा लगा कि आपके बेटे भी बीमार पड़ गए, यानी कि आपके घर में तबाही आ गई। राधे कृष्ण की मूर्ति को चुराते ही चोर के घर में तबाही आ गई, बुरा सपना देखने लगा, रात को चैन से सो नहीं पाता था, बेटा उसका बीमार पड़ गया, घर में परेशानियों का पहाड़ टूट गया। इसलिए कम से कम जो भी चोर हैं भाई, कम से कम यार मंदिर तो बचा दो, भगवान को छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि भगवान अगर चाह दें तो आपका क्या नहीं करवा सकते हैं। बाकी आपको इस वायरल वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।